बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, तमाम देखने वाले व्यूवर्स। जिन तलबा व तलबात के इम्तिहानात हो रहे हैं, जिनके होना अभी बाकी हैं या जिनके हो चुके हैं, सबके लिए जो है वो खान टीचिंग फैमिली आपके लिए दुआगो है, आपके लिए हम दुआ कर रही है हाथ उठा कर के, अल्लाह ताला आपको कामयाबो कामरान करे। जो इस खान टीचिंग फैमिली का हिस्सा हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो अगर इम्तिहानात दे रहे हैं तो उनको भी कामयाब करे, जो नहीं हैं उनके लिए दुआ करें। एक दूसरे से दुआ, जब आप एक दूसरे के लिए दुआ मांगते हैं तो नाकामी भी कामयाबी में बदल जाती है, दुआएं हमेशा जो है वो रंग लाती हैं। तो दुआ ज़रूर मांगा करें एक दूसरे के लिए। इम्तिहानात के अंदर 10 नंबर आपने हासिल करने हैं। 10 नंबर हासिल करने के लिए मैं आपको एक तो पॉइंट बता दूं, दूसरा जो है मेरे खान टीचिंग के ऊपर एक स्टडी टेक्निक्स की प्ले लिस्ट मौजूद है, उस प्ले लिस्ट को लाजमी विजिट करें, वहाँ से भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो मिलने को मिलेंगी। आप इम्तिहानात के अंदर जितनी भी परेशानियाँ होती हैं, टाइमिंग कम है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप कर सकते हैं, किस तरह आपने नंबर बनाने हैं, तो वो आप लाजमी तौर पर विजिट करें। अब आते हैं बात अपने आज की इंपॉर्टेंट बात, जो 10 नंबर हैं वो आपने हासिल करने हैं। 10 नंबर हासिल करने के लिए जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, हर एक जो चैप्टर है उसके एंड पे एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज के एमसीक्यूज जो हैं वो 10 से 15 एमसीक्यूज दिए होते हैं, वो 10 से 15 एमसीक्यूज आपने मस्ट करने हैं, मस्ट करने हैं, मस्ट करने हैं। अगर आप बी अटेंटिव होकर सिर्फ 1 से 1.5 घंटा दे दें, पूरी बुक की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज जो है वो आसानी हो जाते हैं। उसके अलावा जो आपका हर चैप्टर है उसके चैप्टर के एक्सरसाइज से पहले चैप्टर के एंड पे एक समरी खुलासा दिया होता है, उस समरी को आपने लाजमी तौर पर पढ़ना है। उस समरी के अंदर डेफिनेशंस भी होती हैं, उस समरी के अंदर एमसीक्यू टाइप भी होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी वहाँ से आप गेन कर सकते हैं। जब शॉर्ट क्वेश्चन को मिलाएं तो लॉन्ग क्वेश्चन बन जाते, वो भी आपने मस्ट करने हैं। उसके अलावा आपका जो चैप्टर है उस चैप्टर के साथ साथ हर पेजेस के ऊपर साइड पे आपका एक छोटा सा ब्लॉक नज़र आएगा, उस ब्लॉक के अंदर डिजिट्स के अंदर डिजिटल वैल्यूज भी होती हैं, या वैसे एक जिस तरह आपको बता दूं कि रोशनी की स्पीड क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है उसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो अब वो जो वैल्यू है वो वहाँ पर किसी जगह पर इस तरह डिजिटल वैल्यूज़ लिखी होंगी। ये जो वैल्यूज़ हैं वो हर चैप्टर, हर जो पेपर होता है उसके अंदर आती हैं। इस तरह हर पेपर के एमसीक्यूज जो हैं वो एक्सरसाइज में होते हैं, हर पेपर के अंदर आपकी लेसन के एंड पे समरी होती है। ये आप पूरा अगर नहीं भी करते आपको, तो यहां से आप जो है बआसानी एमसीक्यूज जो है वो 8 से 10 नंबर बआसानी ले सकते हैं। ये तो, और बाकी जो आप समरी कर लेते हैं, आप वो ब्लॉक्स कर लेते हैं, तो उससे आपके बआसानी पासिंग मार्क्स भी आ सकते हैं। अब बआसानी अच्छे नंबर तो नहीं, लेकिन पासिंग मार्क्स जरूर आएंगे, आपको 8 से 10 नंबर तो मुफ्त में मिल जाएंगे। तो ये पॉइंट्स जो हैं ये आप थोड़ा सा टाइम देकर जो है ये आसानी कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस की जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं, हर क्लास के स्टूडेंट्स वो मस्ट जो है इस फार्मूले को अडॉप्ट करें, और अपनी परेशानी अपने इम्तिहान में कामयाबी के लिए इन नंबरों का 8 से 10 नंबरों का हिस्सा जरूर डालें। एक एक नंबर कीमती होता है डिवीजन बनाने के लिए, तो लाजमी तौर पर आप खान टीचिंग के साथ टच रहें, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स साथ देता रहूंगा। अल्लाह ताला तमाम देखने वाले व्यूवर्स को, स्टूडेंट्स को हमेशा कामयाब करें, खुश रहें, आबाद रहें, दो में जरूर याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।